और साथियों, आज ईद का पहला दिन है। हम मरी आए हैं, इस वक्त हम झीका गली में हैं और यहाँ पर लोगों की तादाद न होने के बराबर है। और जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि जो पिछला सीज़न था उस दौरान यहाँ पर जो कचरा था वो हमें नज़र आया, किसी ने उठाया नहीं है। और गुज़िश्ता जनवरी को एक बहुत बड़ा सानहा और रोनुमा हुआ मरी में और बड़ी तादाद में लोग हलाक हुए थे। तो उसके बाद से फिर इकदाम उठाए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। यहाँ पर जैसे ही हम मरी के हदूद में दाखिल हुए तो हमने देखा कि यहाँ पर पुलिस है, टूरिज़म पुलिस भी रेज हो गई है। तो टूरिज़म पुलिस जो है इस वक्त बहुत बेहतर अंदाज से खिदमत अंजाम दे रही है। और इस इलाके के अंदर जो हादसा रुनुमा हुआ था तो उसकी रोकथाम के लिए, उसके तदारुक के लिए तकरीबन 100 अहलकारों पर मुश्तमल एक टूरिज़म फोर्स को इस्टेब्लिश किया गया है और एक SP साहब जो है उसको लुकाफ्टर करते हैं। ये पंजाब पुलिस के मातहत है ये इदारा। और इस तरह का इनिशिएटिव बहुत पहले ही लेने की ज़रूरत थी। ये मरी कोई आज का नहीं है, अंग्रेज़ों के दौर का डेस्टिनेशन है और इस इलाके की खूबसूरती को बचाने के लिए और इस इलाके की खूबसूरती बहाल रखने के लिए जो भी सयाह यहाँ आते हैं उनसे हमारी यही गुजारिश होगी कि जो भी अपने साथ खाने पीने की अशिया लेकर आते हैं उनको चाहिए कि वो अपने साथ वापस लेकर जाएं, जो ट्रैश है वो घरों को लेके जाएं ताकि प्रॉपर अंदाज से उसको डिस्पोज ऑफ किया जा सके और यहाँ पर कचरा ना हो। हमने अभी भी जा बजा बोतलें देखी हैं, कचरा देखा है और गलाजत। तो हमें चाहिए कि जो भी सयाह यहाँ आते हैं, यहाँ जितने भी लोग आते हैं यहाँ पर पढ़े लिखे होते हैं, उनको माहौल का भी सेंस होता है, उसके बावजूद भी जो है वो एक छोटी सी मिकदार में, एक छोटा सा वॉल्यूम होता है कचरे का, वो साथ लेके नहीं जाते जिसके बायस यहाँ पर मसाइल का सामना रहता है। Enjoy the ride. Amna, do you enjoy the ride? नहीं। हम मरी आए हैं और बच्चे राइड ले रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त मौसम है कंपेयर टू इस्लामाबाद, यहाँ पर खुशगवार मौसम है और बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। इस वक्त सुनसान है ये इलाका, हमने कहा पहले ही दिन आके मरी की सैर कर ले। और ये देखे मेरे बच्चे, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं टूरिज़म पुलिस का वो दस्ता यहाँ पर मौजूद है और इस दस्ते को इस्टेब्लिश हुए बहुत कम वक्त हुआ है। एक SP साहब की निगरानी में ये दस्ता काम कर रहा है। तकरीबन 100 के लगभग एहलकार यहाँ पर अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर जो भी सयाह आते हैं उनकी मदद को ये हाज़िर हैं, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हुई है, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की गई है, फर्दर इनको ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं। तो जो यहाँ टूरिज़म पुलिस इस वक्त तैनात है, आज ईद का पहला दिन है और इस ईद के पहले दिन घर वालों के साथ खुशियां मनाने के बजाय ये अहलकार इस वक्त यहाँ पर सयाहों की खिदमत के लिए हाज़िर हैं। आप तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि जो टूरिज़म पुलिस इस वक्त मरी में मौजूद हैं, तकरीबन 100 के लगभग यहाँ अहलकार काम करते हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, तो उनके साथ ताउन करें और कोशिश ये करें कि जब जब कोई मसला पेश आता है तो इनसे राबता कर लें। खाओ हेल्थ का इशू हो या कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है या कोई हुल्लड़बाजी होती है तो इन दोस्तों से आप राबता कर लें ताकि आप लोगों के मसले हल हों और यहाँ पर सयाहत को आप बेहतर अंदाज से कर सकते हैं, यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। डेस्टिनेशन ऐसा है कि हर कोई आसपास के इलाकों से आते हैं, जिस तरह से लाहौर से पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ आते हैं, कराची से भी लोग आते हैं यहाँ। तो उन तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि जो टूरिज़म पुलिस इस वक्त रेज की गई है ये एक बहुत बड़ा इकदाम है पंजाब पुलिस का और ये अलहदा तौर से एक डिपार्टमेंट बनाया गया है। इस डिपार्टमेंट का यही काम है कि जो भी सयाह इन इलाकों में आते हैं खसूसन मरी के अंदर, तो वो आकर यहाँ इनसे रब्ता कर सकते हैं और इनसे अगर कोई मदद चाहिए हो तो ये हाज़िर हैं। गुज़िश्ता जनवरी में एक सानहा पेश आया था जिसके नतीजे में कई अफराद जाबाज़ भी हुए थे। तो उसके बाद से तमाम एडमिनिस्ट्रेशन,
पंजाब पुलिस और जो हमारे सियासी कायदीन हैं उन्होंने भी ये कोशिश की है कि आइंदा इस तरह के वाक़ात रुनुमा ना हों, पहले से ही प्लानिंग की जाए और उसी नस्बत से ये पुलिस इस्टेब्लिश की गई है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी एक बहुत ज़बरदस्त फोर्स है, वो काम कर रही है। पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ भी टूरिज़म डेस्टिनेशन हैं इस तरह के फोर्स को इस्टेब्लिश होना लाजमी है ताकि जो लोग सियाहत के लिए आते हैं उनके उनके साथ कोई मसाला पेश ना आए और वो खुलकर जो है इस पाकिस्तान को एंजॉय करें। और एक अहम पैगाम मैं आप दोस्तों को ये देना चाह रहा हूँ वो ये है कि कोशिश ये करें कि अपने साथ जो भी सामान लेकर आते हैं खाने पीने की अशिया, खुसूसन ये खूबसूरत माहौल है इसका ख्याल रखें, यह हरियाली है यहाँ पर और प्यारे बेहतरीन दरख्त हैं, मौसम बड़ा ही खुशगवार है, राउंड द ईयर यहाँ पर मौसम बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो इस मौसम को इंजॉय करने के साथ साथ आप अपने साथ जो भी अशिया लेकर आते हैं खाने पीने की, रेपर्स हो गए, प्लास्टिक की बोतलें हो गई, तमाम चीज़ें अपने साथ लेकर जाएं, घरों में ले जाकर डिस्पोज ऑफ कर लें और बेहतर अंदाज से पाकिस्तान का सयाह। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टूरिज़म पुलिस के चार जवान जो मुस्तैदी से सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, जो भी यहाँ सयाह आते हैं उनकी खिदमत के लिए लोग हाज़िर हैं। इस वक्त हमारे पास मौजूद है अली भाई। तो अली भाई ये बताएं कि कब से आप लोग फील्ड के अंदर हो, ये कब आपकी ये जो फोर्स रेज़ की गई है और किस तरह की खिदमत आप अंजाम दे रहे हैं? हेल्थ इशू हो, गाड़ी का कोई इशू बन गए, हो गया और किसी किस्म लड़ाई झगड़ा बदतमीजी किसी किस्म का आप इशू हो, बच्चे को छोटा हो जाए और किसी किस्म का इशू हो, इसके लिए आप हमारी हेल्पलाइन है 1757, इसलिए आप कॉल करके हमारी हेल्प ले सकते हैं, हम आपकी किसी तरह की हेल्प के लिए इधर अवेलेबल हैं। जब से आप लोग यहाँ इस दस्ते का हिस्सा बने हो तो कोई इस तरह का वाक़ पेश आया जिसमें आप लोगों ने पहल की और उस इशू को हल किया है? सर बेसिकली बहुत से इशू इधर पेश हैं, मतलब इधर एक्सीडेंट वगैरह रश कप की वजह से कोई और इधर बच्चे गुमशुदा हो गए, हमारा पेज है रॉयल सिटी पुलिस नाम से ऑफिशियल पेज है हमारा डिपार्टमेंट का, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं, काफ़ी सारे केस आए हुए हैं वो आपने हल किए हैं। आज सुबह ईद के दिन भी एक छोटा बच्चा गुमशुदा हो गया था इधर से, तो उसको भी ढूंढने में हमारे लड़कों ने काफ़ी हेल्प की है, डाउन मिल गया तो करके बैठा वगैरह हमने अपलोड वगैरह करना है। क्या कहेंगे ये जो एक ज़बरदस्त फोर्स का हिस्सा बने, आप कैसा महसूस करते हैं कि इस दस्ते का हिस्सा बन के? सर पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपका और भाइयों का कि जो लोग यहाँ आते हैं हम उनकी जो है ना हिफाजत के लिए खड़े हैं। सर हमें जो है ना फ़ख्र होना चाहिए और हम जो है ना बहुत आज ईद के दिन खुश हैं कि लोग बहुत से लोग जो है घरों से इधर निकल कर जो है ना सैर व सियाहत के लिए आते हैं, हम उनकी हिफाजत के लिए खड़े हैं और हमें जो है ना खुद अपनी ज़ात पर जो है ना फ़ख्र होता है, एक पंजाब पुलिस का हिस्सा होने पर हमें फ़ख्र होता है और हम लोगों से अपील करते हैं कि जितने भी लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं वो बेइज़्ज़ी होकर आएँ और यहाँ सैर व सियाहत करें, हम उनकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। पंजाब पुलिस जो है ना इसका एक नया इकदाम जो है ना टूरिज़म पुलिस जो है जो सियाहत लोग आते हैं उनके लिए तैनात की गई है। अच्छा आप दोस्तों से एक और अहम इन्फॉर्मेशन ये शेयर करता चलूँ, आईजी पंजाब सीपीओ रावलपिंडी आरपीओ रावलपिंडी और एसपी साहब यहाँ के एएसपी जनाब साहिबा जो कि इस फोर्स को लुक आफ्टर कर रही हैं उनके ये खिदमत हैं और बस आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इन सब के साथ ताउन करें और इन तमाम की खिदमत को हमें सराहने की ज़रूरत है बेहतर अंदाज से ताकि मज़ीद नफरी आए और लोगों की खिदमत कर सकें।